আসো খেলবো, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, আমরা বলছি খেলা হবে। टीएमसी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में बदलना चाहती है, इसलिए उन लोगों ने जय बांग्ला नारा भी उधार लिया है। हमारा नारा है भारत माता की जय और जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? अमीर करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनेद अली और आप देख रहे हैं जुनेद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश को लेके, कोलकाता के अंदर होने वाले इलेक्शन में ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी ने जो तैयारी पकड़ी है वो आपके सामने आओ। और अक्सर ममता बनर्जी ये बंगाली नारा लगाती हुई हमें नज़र आती हैं, जोए बंगला। ये जोए बंगला के ऊपर विवाद खड़ा हो गया और अब इंडिया के बीजेपी सरकार ये कहने पर मजबूर होगी कि आप ये ममता बनर्जी, आपको पता चल रहा है कि बंगाल की साइड ले रही हैं, ये बांग्लादेश की साइड ले रही हैं और बांग्लादेश का नारा आज लगा रही हैं। और अक्सर ये भी कहा जाता रहा है कि ममता बनर्जी जो कोलकाता को बांग्लादेश के साथ मिलाने की बात करती हैं, ये अखंड बांग्लादेश की बात करती हैं और बांग्लादेश के जो हिस्से, जो साइड दो मुल्कों में डिवाइड हुई थी, जैसे पंजाब दो साइडों पर डिवाइड हुआ, एक पंजाब इंडिया में, दूसरा पंजाब पाकिस्तान में, तो इसी तरह से कोलकाता और ढाका दो मेन, ये एक मेन शहर था और ये एक मेन बंगाल था जिसको पार्टीशन के टाइम पे डिवाइड किया गया और कोलकाता और बेंगलोर इंडियन साइड पे चला गया, ढाका चिटागोंग ये बंगाल जो है वो बांग्लादेश बना। तो अब आके जो नारे लगाए जा रहे हैं, जो इलेक्शन की मुहिम चलाई जा रही है वो अब बांग्लादेश के अंगेंस्ट भी चलाई जा रही है कि ये बांग्लादेशी नारे लगा रहे हैं, ये बांग्लादेश की साइड ले रहे हैं। और बीजेपी पूरा जोर लगा रही है बेंगलोर के अंदर, कोलकाता के अंदर अपनी गवर्नमेंट को बनाने की, और अगर वहां पे गवर्नमेंट बन जाती है तो जो कानून ये लेके आए थे दूसरे शहरों में, आसाम में और त्रिपुरा में, अब यही कानून वो बेंगलोर के अंदर और कोलकाता के अंदर रेंज करने चाहते हैं। अगर ये जीत जाते हैं तो वहां पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और जो लोग वहां पे रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा तशवीश भी है इस चीज़ के ऊपर कि जो कानून इन्होंने लाए थे NRC और CAA। तो अब देखना होगा कि ये कौन इलेक्शन में जीत पाता है, और ज़्यादातर लोगों की राय है कि ममता बनर्जी ही जीतेंगी या दूसरी पार्टीज यहाँ से जीत जाएंगी, और बीजेपी का ये नज़रिया कि हम लोग यहाँ से जीत के ही निकलेंगे और जो नारे के ऊपर जो प्रॉब्लम्स बना रहे हैं ये किस चीज़ की प्रॉब्लम है। आज इसी तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 गो। आशो खेलबो, खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे, हमरा बोलछी खेला होवे, খেলা হবে, পদ্মফুলের মেলা হবে, তৃণমূলকে ফেলা। আসসালামু আলাইকুম, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইউটিউবে, সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। ভারতীয় মিডিয়ার আজকের ভিডিওটি হতে চলেছে অনেক মজার, আর তাই আমি যখন প্রথম দেখি তখনই চিন্তা করি ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আপনারা জানেন সামনে পশ্চিমবাংলার নির্বাচন, পশ্চিমবাংলার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বারবার বাংলাদেশের নাম সামনে আসছে। আপনারা জানেন কয়েক বছর আগে নারায়ণগঞ্জের সাংসদ জনাব শামীম ওসমান একটি ভাষণে খেলা হবে স্লোগানটি দেন, এরপর থেকেই মূলত বাংলাদেশে তার এই কথাটি ভাইরাল হয়ে যায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন মিমে তার এই খেলা হবে কথাটি সংযোগ করা হয়। জনাব শামীম ওসমানের বক্তব্যটি ভারতেও ব্যাপকভাবে ভাইরাল হচ্ছে বর্তমানে। পশ্চিমবাংলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল নেতারা খেলা হবে স্লোগানটি দেয় আর এরপর থেকেই শুরু হয় আলোচনা। অন্যদিকে তৃণমূল প্রধান ও বর্তমান পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জয় বাংলা স্লোগানটি দেয়, এরপর থেকেই পশ্চিমবাংলায় শুরু হয় আলোচনা ও সমালোচনা। বিজেপির অনেক নেতা ধারণা করছেন মমতা পশ্চিমবাংলাকে বাংলাদেশের সাথে যুক্ত করতে চাইছে, আর তাই বিভিন্ন জনসভায় ভারতের স্লোগান বাদ দিয়ে বাংলাদেশের স্লোগান দিচ্ছে। আর কী কী ছিল সেই ভিডিওতে চলুন দেখে আসি। তবে তার আগে আপনি যদি বিডিটিউব চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথচলায় বিডিটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকুন, আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। খেলা হবে, খেলা হবে, আমরা বলছি খেলা হবে। ये बीजेपी का स्लोगान नहीं है, ये स्लोगान बांग्लादेश का है। जय श्री राम।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने डबल इंजन की सरकार को चुनने के लिए वोट देने का मन बना लिया है। राज्य में बीजेपी भारी बहुमत से सत्ता में आएगी। बंगाल की जनता तय कर लिया है इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएगा और मोदी जी का नेतृत्व में भाजपा की सरकार इधर भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाला है। जो नारा अमित शाह जी मोदी जी ने दिया था 2019 में हाफ, 2021 में साफ, वही होने वाला है। आगे शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के नारे खेला होबे को लेकर कहा, खेला होबे नारा 4 साल पहले नारायणगंज के सांसद शमीन उस्मान ने दिया था। टीएमसी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में बदलना चाहती है, इसलिए उन लोगों ने जय बांग्ला नारा भी उधार लिया है। हमारा नारा है भारत माता की जय और जय श्री राम। ये बीजेपी का स्लोगन नहीं है, बीजेपी का लोग वर्कर्स ने काउंटर कर रहा है। ये स्लोगन बांग्लादेश का है, नारायणगंज का आवामी लीग का जो एमपी है शमीम उस्मान, उन्होंने 4 साल पहले नारा दिया था खेला हबे खेला। ये जो पश्चिम बंगाल का टीएमसी है पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहता है, इसलिए जय बांग्ला स्लोगान भी बांग्लादेश से लाकर लाया और हम लोग का स्लोगान है भारत माता की जय जय श्री राम। देखिए सुन लीजिए, ये खेला हमें बांग्लादेश से लाया और हमारा बीजेपी का जो वर्कर्स है ग्रास रूट वर्कर, ये भी बोल रहा है खेला हबे पद्म फूलेर मेला हबे तृणमूल के फैला है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले के केशपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी के खेला होबे नारे को लेकर हमला बोलते हुए कहा, आपका खेल खत्म हो चुका है और अब हम खेलेंगे और आप गलियारे से देखेंगे। এতক্ষণ বিডি টিউবের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ফেসবুক সহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে আপনার বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিন। বাংলাদেশকে নিয়ে আমাদের এই পথচলায় আপনাদের ভালোবাসা ও সহযোগিতার কথা আমি কখনোই ভুলব না। আপনারা পাশে ছিলেন বলেই বিডি টিউব আজ এত দূরে এসেছে, আর তাই আমি আপনাদের প্রতিটি কমেন্টের রিপ্লাই নিজেই দেই। আপনাদের এই অকৃত্রিম ভালোবাসা নিয়েই যেতে চাই অনেক দূর। ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। আপনার ছোট্ট একটি লাইক বা কমেন্ট আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান, কেননা এটাই আমাদের পথ চলার অনুপ্রেরণা। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডি টিউবের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ। धन्यवाद जी, ये थी वीडियो और बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। और कोई भी स्लोगन हो, कोई भी नारा हो, तो उसको किसी न किसी के साथ जोड़ने और उसको उसका हमायती बताने और उसको इलेक्शन में हराने के लिए ऐसे नारों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। और जब पाकिस्तान के साथ इनके प्रॉब्लम चल रही थी तो इलेक्शन ऊपर से आ गए, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्ड खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट। जितनी भी बातें की हैं, तो 2 दफ़ा बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, नरेंद्र मोदी आए, तो दोनों बार इन्होंने पाकिस्तान के अंगेंस्ट जो अपना एक नारे बनाए, पाकिस्तान के अंगेंस्ट कंपेन की, तो ये लोग इलेक्शन जीत गए। इनका यही एक कार्ड बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर, वहां पे चलाने वाले हैं। और जो नारे लगाए जा रहे हैं दूसरी जमातों की तरफ से खेला हुए, तो उसको भी बांग्लादेश के साथ जोड़ा जा रहा है, जय बंगला को भी बांग्लादेश के साथ जोड़ा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है हर मसले के ऊपर बांग्लादेश का नाम लिया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ममता बनर्जी हो या दूसरी पार्टी हो, वो बांग्लादेश बनाना चाहती हैं इस कोलकाता को, इस बेंगलोर को। तो ये है कि हर दफ़ा किसी ना किसी इल्ज़ाम में उलझा के ये लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट ले के गवर्नमेंट बना के उन्हीं के ऊपर हुकूमत करके ये लोग इसी तरह से कंपेन करते हैं, इसी तरह से इलेक्शन जीतते हैं, इसी तरह से इलेक्शन करवाते हैं। अब देखना होगा कि ये जो स्लोगन दूसरी स्टेट में चलाते रहे हैं, पाकिस्तान के अंगेंस्ट कार्ड खेल के वोट लेते रहे हैं, क्या बांग्लादेश के अंदर जो नारे लगाए जाते हैं उनका अगर यूज़ वहाँ पे हो रहा है तो उसी को एक मुद्दा बना के वहाँ के लोगों से वोट ले पाएंगे, या बांग्लादेश के लोगों को वहाँ से निकालने की जो मुहिम, जो कानून लाए हैं, वो गवर्नमेंट में जीतने के बाद कर पाएंगे? तो ये सबसे अहम सवाल है कि कौन हुकूमत बनाएगा
कोलकाता के अंदर, तो ये बहुत अहम है। और क्या ममता बनर्जी अपनी गवर्नमेंट को बरकरार रख पाएंगी? तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।